ये चाइनीज वाला थेपला इतना आसान नहीं है। हाय मैम, कैसे हो? फाइन, आप कैसे हो? बस मैम बढ़िया हूँ। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या ट्राई करें हम लोग? यहाँ पे थेपला है मैम। थेपला तो जनरली सूरत में मैं खड़ा हूँ, और गुजरात की बात करें तो थेपला तो रोज सुबह लोग चाय के साथ खाते हैं। थेपला हम नया ले गया है गुजराती में, चाइनीज टेस्ट के तड़के से साथ आया है। चाइनीज तड़का रहेगा थेपले में, मतलब चाइनीज फ्लेवर का थेपला मिलेगा। क्या बात है भाई, ये देखो ये सूरत है, यहाँ ऑलवेज कुछ नया मिलता कुछ रहता नया है। तो चाहिए ही चाहिए ही, है ना? तो ठीक है मैम, शुरू करते हैं फिर। ये थेपले का डो है, ये थेपले का डो है। तो ये मेथी वाले डो का थेपला तो मैंने हमेशा खाया। ये पिंक का क्या है? पिंक थेपला है। क्या बात कर रहे, पिंक थेपला कब से आ गया मैम? बीट रूट का है। अच्छा बीट रूट का है, प्योर कलर कोई इसमें ऐड नहीं है, मतलब प्योर बीट रूट से है पिंक थेपला। पिंक थेपला हेल्दी एकदम। अच्छा चलो हम बनाएंगे अभी थेपला। तो अभी गाइस यहाँ पर बनने जा रहा है गुजराती थेपला। गुजराती थेपला बन रहा है चाइनीज तड़के वाला। तो अगर आज तक आप लोग थेपला खा के हो चुके थे बोर और थेपला से भागते थे दूर दूर, तो अब यहाँ पर मिलने वाला है चाइनीज तड़के वाला थेपला, जो खाने के बाद जीभ का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, लेकिन चाइनीज में बढ़ेगा, है ना मैम? तो मैम आपने ये चाइनीज थेपला बनाने का कैसे सोचा और आपको कैसे आइडिया है? गुजराती लोग को, सूरती लोग को कुछ नया ही टेस्ट चाहिए हर बार। अच्छा, इसलिए बैठे बैठे ये सोचा कि कुछ नया करके है और ये चाइनीज थेपला लेके आ गए। अच्छा, बेल के रेडी हो गए, अभी तवे पे जाएगा। अच्छा, और इसके बाद अभी और एक दूसरा आएगा और दोनों दो आएगा इसमें। अच्छा, एक लोग सिंगल थेपला खाते होंगे, लेकिन ये चाइनीज तड़के वाला ऐसा थेपला है जिसमें डबल बेस रहने वाला है, मगर ऊपर भी थेपला नीचे भी थेपला, बीच में क्या आने वाला है वो मुझे भी नहीं पता है। थेपला मैंने भी खाया है लेकिन आज तक सिंगल खाया था भाई। ये एकदम से न्यू थेपला है चाइनीज तड़के वाला। और मैम कब से आप ये बना रहे हो चाइनीज थेपला? मैंने अभी स्टार्ट किया है। मेरा वैसे तो 15 साल से घर से मेरा बिजनेस था, मैं ऑर्डर से सब बनाती थी। अच्छा, अभी ये नया यहाँ पे स्टार्ट किया है, कुछ नया लेके आई जी। तो गाइस बने रहना वीडियो में, क्योंकि एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन, जहाँ आकर के आप ये चाइनीज वाला थेपला ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑयल लगाया जा रहा है मैम? हाँ ऑयल है जी। ये रेडी हो गया है। अच्छा ये थेपला रेडी हो गया, अब सेकंड वाला बेस जाएगा। अच्छा सेकंड वाला जो बेस था वो अभी तैयार किया जा रहा है और उस पे भी ऑयल लगाया जा रहा है। सो मैम आपके यहाँ तो थेपला मतलब बचपन से ही आप लोग खा रहे होंगे? बचपन से खा के ही बड़े हुए हम लोग तो चाइनीज थेपला। बस कुछ अभी का जनरेशन ये है बच्चों को, हाँ। कुछ नया चाहिए, चाइनीज चाहिए, चीज वाला चाहिए, चीज वाला चाहिए, वही उसी हिसाब से मैंने स्टार्ट ये किया है। अच्छा क्या होगा मैम? अभी यहाँ पे हम स्टफ रेडी करेंगे जो थेपले में लगेगा। अच्छा चाइनीज वाला स्टफ मसाला। अच्छा अच्छा, सो गाइस बने रहना आप लोग हमारे साथ। कैरेट आ गया, कैप्सिकम है, ये ऑनियन आएगा, चिली फ्लेक्स आएगा, ओरिगानो। सो भाई देख लो, यहाँ पर अगर आप लोग अपने घर में थेपला खा के थक चुके हो ना भाई, तो ये नया वाला जायका और नया वाला टेस्ट। अच्छा इसीलिए चाइनीज बोला जा रहा है इसको। मेयोनीज आएगा जो आजकल बच्चों को ज्यादा पसंद है। आंटी ने बिल्कुल नस्ल पकड़ ली है कि बच्चों को जो पसंद है अब वही चीज चलेगा। इसमें रहना है तो कुछ नया बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या, आप जो बेच रहे हो वो हेल्दी भी तो है? एकदम पूरा हेल्दी। मान लो जो चीजें डाली गई है सामने, जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ हेल्दी चीजें, कोई ऐसा मसाला या कुछ भी ऐसा चीज नहीं डाला गया जी। अभी ये बनेगा भाई। लोग आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं पहली बार हैरान हूँ ऐसा थेपला देख करके, जो थेपला नया रूप ले चुका है चाइनीज वाला थेपला। तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप भी थेपला खाते हो और सूरत गुजरात से हो तो, और अगर आप गुजरात के बाहर से हैं लेकिन ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो भी शेयर कीजिएगा।
एंड में हम बताएंगे इनका लोकेशन, बने रही है हमारे साथ। ये हमारा स्टेप लग गया, अभी उस पे चीज आएगा। अच्छा हम चीज डालेंगे जी। तो मैम एक बात बताइए, जब ये थेपला कोई यहाँ पर आता है ट्राई करता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल थेपला आज तक खाए हैं, पर यहाँ पे आके सब लोग गुजराती लोग को ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, कुछ नया है कि ये क्या सा है। स्टफ थेपला तो पहली बार देखा है जैसे चाइनीज फ्लेवर का जी, तो वो लोग को बहुत पसंद आया और अच्छे से बार बार आते, रिपीट कस्टमर आते हैं। क्या बात है, नहीं आप चीज ही ऐसी लाई हो कि अगर कोई एक बार खाएगा तो रिटर्न उसको आना ही आना है, क्योंकि और कहीं ये खा के पक्का कोई बीमार पड़ने वाला नहीं है, एकदम फ्रेश रहता है, जैसे आए कस्टमर वैसे ही बनता है। आटा भी जो गूंथते हैं हम लोग कस्टमर आने के बाद ही गूंथते हैं, अच्छा। बना के नहीं रखते। क्या बात है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें 10-15 मिनट बैठना पड़े तो चलेगा, पर फ्रेश खाने को मिलता है इसलिए आते ही है सब लोग, और ऊपर से भी चीज आएगा जी। तो पिंक थेपला में भी कुछ डाला जाता है या ओनली बीटरूट है? उसमें भी अगर रिक्वायरमेंट रहता है स्टफ वाला तो ऐसे ही बनाते हैं, या प्लेन खाना है तो प्लेन। अच्छा अच्छा, तो टोटल अपने वहाँ कितनी वैरायटी में है थेपला मैम? हमारे पास ये रेगुलर सादा है, पिंक है, ग्रीन वाला है पालक का, तीन जत का, और ये स्टफ वाला है। अच्छा, ये चाइनीज वाला थेपला इतना आसान नहीं है, इसके चीज को बढ़िया से फायरिंग किया जा रहा है, मेल्ट किया जा रहा है। सो गाइज, आज से पहले ऐसा थेपला आपने कहीं खाया हो ना सूरत या गुजरात में तो कमेंट करके बताना। चलिए इनका लोकेशन फटाफट दिखाते हैं आपको। सूरत सूरत। चलिए गाइज, एक बार मैं आपको लोकेशन प्रॉपर दिखाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसा थेपला ट्राई करने जा रहा हूँ जो कुछ अलग है, मतलब फ्यूजन फूड है यार, मतलब चाइनीज वाला है, आपने देखा होगा पूरा प्रोसेस। तो चलिए एक बाइट लिया जाए इसका। हमने एक बाइट लिया है, थेपले का फ्लेवर तो आ ही रहा है, जो थेपला आप लोग अपने घरों में खाते हैं मेथी वाला उसका फ्लेवर तो भरपूर आ ही रहा है, लेकिन जो इन्होंने इसके अंदर ओरेगानो चिली फ्लेक्स और वेजिटेबल्स का स्टफ बना के मायनीज में डाला था उसका जो टेस्ट आ रहा है भाई, बहुत ही हटके आ रहा है, बहुत ही लाजवाब आ रहा है। मतलब चाइनीज वाला फ्लेवर जो सिजवन की वजह से आना चाहिए एक नंबर आ रहा है। तो अगर आप लोग भी अभी तक सिंपल वाला थेपला खा रहे थे और खा के हो चुके थे बोर, तो आज घुमक्कड़ फूड इंडिया ने आपको एक नया लोकेशन बताया है जहाँ पे आकर के आप ये हेल्दी थेपला एक नए अवतार नए वर्जन में खा सकते हो, मतलब चाइनीज वाला खा सकते हो। साथ में इनके वहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन चटनी है और ये है टमाटर टोमेटो सॉस। भाई चटनी के साथ और ये सॉस के साथ जब डीप करके आप खाओगे ना, आपके जीप का टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर पड़ चुका है जीप का टेस्ट फीका, तो ये चाइनीज वाला थेपला जरूर आके आप लोग खाना, बढ़ जाएगा टेस्ट आपके जीप का। चलिए आपको इनका लोकेशन दिखाते हैं। सो भाई ला पेंटोला फूड कोर्ट के अंदर है अंश नानीस किचन, जहां आकर के आप ये ट्राई कर सकते हैं। और ये जो फूड कोर्ट है ये आया हुआ है नियर गैलेक्सी सर्कल अड़ाजन में, ला विक्टोरिया मॉल के एग्जिट सामने। हम बाहर से भी आपको इनका लोकेशन दिखा